ऑल राइट, सो XUV300 का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? उसका ये सिर्फ 257 लीटर्स का मियर छोटा सा बूट स्पेस, जिसमें मुश्किल से 2-3 बैग्स आते थे, और ये पार्सल ट्रे जब इसके ऊपर आता था तो बैग्स भी कम आते थे, और जब अगर मैं पूरा जब बैग्स को स्टैकअप कर देता था तो वो रेयर व्यू IRVM का व्यू ब्लॉक हो जाता था। तो उसका सोल्यूशन फाइनली हमने ढूंढ लिया है, वो क्या है आ जाओ मैं आपको बताता हूँ। वो है ये 450 लीटर्स का मैसिव रूफ बॉक्स बाय अवे कंपनी। सो ये जो आप देख रहे हो ये 450 लीटर्स का है, ये ABS प्लास्टिक का है और बहुत स्ट्रांग है। अब इसमें मैक्सिमम 5 से 6 बड़े बड़े बैग्स आराम से चले जाते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में होगा वो ये कि ये लीगल है कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं, इसका एक कंपनी डॉक्यूमेंटेशन साथ में देती है जो कि एक RTI है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है RTI रिक्वेस्ट करने पे कि इसके अगेंस्ट, मतलब ऐसे कवर्ड कैरियर्स के अगेंस्ट कोई रूल नहीं है, मतलब इसमें क्या बोलते हैं मोटर व्हीकल एक्ट में, एंड अगर इसके डायमेंशन आपके कार के छत के डायमेंशन के अंदर बैठते हैं तो इट इज़ एब्सोल्युटली लीगल। तो अगर आपको ये लगाने पे अगर पुलिस पकड़ती है तो ये डॉक्यूमेंट दिखा के आप आराम से छूट सकते हैं। मेरे साथ हो चुका है, उन्होंने कोई आनाकानी नहीं की, डॉक्यूमेंट देखा, पढ़ा और छोड़ दिया। सो अब थोड़ा इस साइड से आ जाइए। अब ये जो रूफ बॉक्स है इसकी यूटिलिटी क्या है? ये 450 लीटर्स का है, मतलब वो सिर्फ 257 था, ये 450 है, ऑलमोस्ट उसका डबल, बहुत मैसिव बूट स्पेस आपको दे देता है। और इसका मटेरियल स्ट्रांग है, प्लस इसके अंदर जो है जो इसका बॉटम है या बेस है वो ऐसा रबराइज्ड है कि इसमें जब आप ऊपर बैग रखते हो तो ब्रेक मारने पे भी खिसकता नहीं है। अभी और एक क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा कि ये लगाने पे एरोडायनेमिक में कोई इशू आया है क्या, या स्टेयरिंग में कुछ फीडबैक फील हो रहा है क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं इसको लगा के समृद्धि महामार्ग में 120 की स्पीड में चला चुका हूँ कंटिन्यूस, क्योंकि वहीं वो स्पीड लिमिट ही उतना है वहाँ का, बट एक भी बैग नहीं हिला कहीं पे भी, और कोई भी मुझे स्टीयरिंग में फीडबैक या अनस्टेबिलिटी महसूस नहीं हुई। एक चीज़ जो ऑनेस्टली मैं आपको बोलना चाहूँगा वो रहेगा इसका एवरेज। हाँ, इससे एवरेज में इफेक्ट पड़ता है। पहले जो मेरा हाईवे में 19-20 देता था, ये लगाने के बाद ये 17-18 KMPL का देता है व्हेन आई ड्राइव विद इन दैट स्पीड लिमिट। तो इससे उसमें हाईवे माइलेज पर डेफिनेटली इफेक्ट पड़ता है, बट इससे सिटी माइलेज में बिल्कुल इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि सिटी में आप वैसे भी स्लो स्पीड्स में चलाते हो तो माइलेज बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होता है। और एक चीज़ अगर मैं बताने जाऊँ, इसका पहले जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत एरोडायनेमिक है। अब ये आप अगर दूसरी कंपनी के लेने जाओगे तो और 2-3 इटालियन कंपनीज जो ये मैन्युफैक्चर करती है एंड उसके जो प्राइस ब्रैकेट है इससे ऑलमोस्ट डबल है। तो ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज़ मैन्युफैक्चर्ड इन नासिक। तो ये तो आपको जब कार के ऊपर लगा रहेगा तो आपको बहुत छोटा दिख रहा होगा, बट जब ये आप नीचे रखोगे तो ये लिटरली एक बोट टाइप का फील देता है, जिसमें लिटरली 3 लोग बैठ के चप्पू चला सकते हैं, इतना स्पेस बचता है। इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था, ये आप देख के भी आपको छोटा लग रहा होगा, बट जब आप बैग फिल करना चालू करेंगे तब आपको पता चलेगा इसका मैसिव बूट कैपेसिटी। तो ये जब मैंने सबसे बड़ा बैग जब इस पर रखा ऐसे हॉरिजॉन्टली, तो भी उसमें एक हाथ का इतना स्पेस बच गया था, तब रियलाइज हुआ कि ये कितना वैल्यू फॉर मनी है। अब आपको इस एक बार अंदर से दिखाता हूँ। तो इसमें क्या है, दो चीज़ रहता है इसके कंस्ट्रक्शन में, एक ये बॉक्स, दूसरा ये क्रॉस बार। क्रॉस बार लगा हुआ है, ये इसको बोलते क्रॉस बार, और ये जो है ये रूफ रेल्स बोलते इसको, ये इसमें इंस्टॉल्ड आया है। ये रूफ रेल चिपका हुआ नहीं है, ये इसके अंदर ड्रिल किया हुआ है, पहले से कंपनी से आया था, और इसके साथ ये क्रॉस बार्स आते हैं। अब ये कंपनी जो है क्रॉस बार दो टाइप का ऑफर करती है, एक है लॉकेबल जिसमें बाहर लॉक्स रहते हैं ताकि कोई एलन की से खोल के आपका रूफ बार ही नहीं उठा के लेके चला जाए, और दूसरा था नॉन लॉकेबल। तो ये उन्होंने लॉकेबल वाला लिया है। और आप सोच रहे हो अगर आपकी गाड़ी में ये रूफ रेल्स नहीं है तो क्या आप इंस्टॉल कर सकते हो? तो आंसर है हाँ, आप कर सकते हो। ये हर टाइप के और एक टाइप का जो रहता है जिसको फ्लश रूफ रेल्स बोलते हैं, उस टाइप के रूफ रेल्स भी वो लगा के देते हैं, उस पर एक क्रॉस बार लगा के देते हैं। तो फिटिंग इज नॉट गोइंग टू बी एन इशू। एंड इसका और एक यूज़ के सबसे इंपॉर्टेंट रहता है CNG कार्स में, जिसमें आपका बूट स्पेस पूरा चला जाता है, तो उसमें आप बिंदास लगाओ और यूज़ करो। ये एक यूनिवर्सल रूफ टॉप बॉक्स है। अब इसका अंदर से खोल के कंस्ट्रक्शन दिखाता हूँ। ये चाबी है, चाबी का सेट है, इसको मैं ओपन करूँगा, ये पूरा खुल जाएगा, ये और भी खुलता, तो ये पूरा खुल गया। अब इसके अंदर की स्पेस आप देख लो, इसमें ऑल्दो इसमें बांधने के लिए भी चीज़ें दी जाती है ताकि बैग आपका खिसके नहीं, बट जो अंदर का मटेरियल है वो ऐसा रबराइज्ड है जिससे वैसे भी ये बैग आगे पीछे नहीं होता है। तो ये एक चाबी का सेट है जो इसको लॉक करने के लिए दिया गया है। और यहाँ पे अगर आप पास में हैं, पास में आके दिखाएं, तो ये जो है ये भी रूफ रेल्स भी जो क्रॉस बार से वो भी लॉकेबल है। अगर आप इसके दाम की बात करें, मैं बिल्कुल इसमें ट्रांसपेरेंट रहूँगा आपको प्राइसेस बताने में, तो ये वाला जो बॉक्स है 450 लीटर का, ये दो टाइप के फिनिश में आता है, एक मैट फिनिश और एक ग्लॉसी फिनिश। ये ग्लॉसी फिनिश है, ये थोड़ा महंगा है। तो इसका जो दाम है रूफ बॉक्स का वो है 29,000 रुपीज़, और ये जो क्रॉस बार है ये है 7,500 या 8,000 का,
मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप देख लेना, और इसके वीडियोस भी अटैच करूंगा जिससे आपको इसकी कैपेसिटी का अंदाज़ा हो जाए। और इसका जो स्ट्रेंथ और वो है, इस पर कंपनी वीडियो जल्दी बनाने वाली है जिसमें वो इसको तीसरे माले से फेंक के दिखाने वाले कि फिर भी नहीं टूटता। तो आई होप आपको एक आइडिया मिल गया होगा आप इसको कहाँ कौन से कार्स में और कैसे यूज़ कर सकते हैं। आंसर इज़ आप इसको बिंदास सारे कार्स में यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको यूज़ करते हुए मुझे 5-6 हज़ार किलोमीटर हो गया है, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नो एरोडायनमिक इशू, नो हैंडलिंग रिलेटेड इशू, इट इज़ परफेक्ट। तो अब सिंस मेरा बूट फ्री हो गया है, मैं उसमें एम्पलीफायर और सब ऊपर का अपग्रेड बहुत जल्दी लाने वाला आप लोगों के लिए। सो स्टे ट्यून्ड ऑन माई चैनल, इसका लिंक मैं सारा डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी क्वालिटी इज़ ऑन मी, मेरे भरोसे आप इसको ले सकते हो। दिस इज़ योर होस्ट इन फोकलोन साइनिंग ऑफ, अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू वीडियो। चाओ, बाय बाय, सी या।